तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करेंगे BS6 सेमेस्टर के हिंदी के फर्स्ट पेपर के MCQ टाइप के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। जिन जिन भी यूनिवर्सिटी व कॉलेज में BS6 सेमेस्टर हिंदी का जो पेपर MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले, उन सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो कंपलसरी और इम्पॉर्टेंट है। आपका सब्जेक्ट मेजर है तब भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है। मान लीजिए आपका सब्जेक्ट हिंदी माइनर है तब भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि माइनर में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो ऑब्जेक्टिव आते हैं। और कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जहाँ जहाँ पर परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होंगे मेजर सब्जेक्ट में, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। आते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न कह रहा है कि संदेश रासक किसकी रचना है। एक पुस्तक है, एक रचना है जिसका नाम है संदेश रासक, और ये संदेश रासक कौन से विद्वान ने, कौन से कवि ने इसको रचा है, तो ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे, जो सही होगा उसे आपको टिक करना होगा। तो इन ऑप्शनों में से जो सही उत्तर होगा, यानी संदेश रासक के रचनाकार हैं अब्दुल रहमान, द नंबर सही जवाब होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे, कई बार मतलब कि इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, कुल मिला के ये जान लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राउल विल किसकी रचना है। तो राउल विल कौन से विद्वान की कविता है, कौन से कवि की कविता, ध्यान रखेंगे। तो राउल वेल जो है वो रोडा जो कि प्रमुख कवि हैं, लेखक हैं, इनकी ही रचना है, ध्यान रखेंगे, राउल वेल रोडा की रचना है। अगला प्रश्न है कि राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। मतलब कि एक प्रमुख कवि हैं, लेखक हैं, विद्वान हैं, जिनका नाम है राजा मुंज, तो इनको हिंदी का, ठीक है, मतलब कि पुरानी हिंदी का पहला कवि माना जाता है, लेकिन कौन से विद्वान ने ये बात कही है या फिर कौन से विद्वान ने माना है, तो इसका उत्तर जान लीजिए। ये बात कही है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा कि राजा मुंज जी पुरानी हिंदी के सबसे पहले यानी कि प्रथम कवि हैं। आ नंबर सही जवाब होगा। अगला है कि देसिल बैना सब जन मिठा किसकी पंक्ति है। देसिल बैना सबजन मिठा, और ये जो लाइन है ये हमारे प्रमुख कवि विद्यापति जी की है। सही जवाब होगा 12 नंबर, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है। तो भोला शंकर व्यास जी ने हिंदी जो सब्जेक्ट है उसको आरंभिक रूप जो कहा है उसका नाम है, ध्यान रखेंगे, काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन है, अवहट्ट, ठीक है, प्रारंभिक रूप अवहट्ट माना है। अगला प्रश्न है कि कीर्ति पताका किसकी रचना है। एक पुस्तक है, एक रचना है जिसका नाम है कीर्ति पताका, और ये जो रचना है वो विद्यापति जी की है जो कि प्रमुख विद्वान और लेखक हैं और कवि भी हैं। सही उत्तर ए नंबर होगा। अगला प्रश्न है कि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को क्या कहा है, ठीक है, तो चलिए जानते हैं। उन्होंने कहा है आड़ा आड़ा भाषा, ठीक है, आ नंबर सही उत्तर होगा, हालांकि क्वेश्चन बहुत कम आता है। अगला क्वेश्चन है कि 8 नंबर, अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है कहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे, ये मिलता है वर्ण रत्नाकर में। अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग मिलता है वह वर्ण रत्नाकर में मिलता है जो कि प्रमुख, ठीक है, विधा है। अगला प्रश्न है कि भल्लार हुआ जो मरिया बहिड़ हमरा कंतु किसकी पंक्ति है। एक पंक्ति है जिसका नाम भल्ला हुआ जो मरिया बहिड़ हमरा कंतु, ये जो पंक्ति है ये है हेमचंद्र जी की, याद रखेंगे, आ नंबर सही उत्तर होगा। अगला है कि कुमार पाल चरित जो है इसके रचनाकार कौन से कवि हैं। तो कुमार पाल रचित के रचनाकार का नाम है, ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनका नाम है हेमचंद्र जी, ठीक है, आ नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि प्राकृत पैंगल मम किसकी रचना है। पैंगलम किसकी रचना है। तो पैंगलमम जो रचना है वो प्रमुख कवि, ध्यान रखेंगे, लक्ष्मीधर जी की है, आ नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि पुरुष कहानी हो कहो जस पथ्यो पुन्नु कहाँ पे ये पंक्ति ली गई है।
तो ये जो पंक्ति है ये ली गई है कीर्ति लता से, 2 नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, मैथिल कोकिल किस कवि की उपाधि है। तो ध्यान रखेंगे मैथिल कोकिल जो है वो विद्यापति जी को कहा जाता है, 6 नंबर सही उत्तर होगा। अगला है कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, ये जो लाइन है ये पंक्ति है कौन से विद्वान की है। तो ये जो पंक्ति लाइन है ये अमीर खुसरो की है, 2 नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भाषाओं को प्राचीन से नवीन क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप बताइए प्राचीन से नवीन की ओर, यानी कि पुरानी से नई जो हमारी भाषा है उसकी ओर बताना, ठीक है। तो इसमें जो स्टेप बाय स्टेप होगा सबसे प्राचीन मतलब तो सबसे पुराना से होगा, पहले संस्कृत है, फिर पाली है, फिर प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है, इसलिए सही उत्तर इसका 6 नंबर होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 84 वैश्रुणन की वार्ता पुस्तक के लेखक कौन है। एक रचना है, एक पुस्तक है जिसका नाम है 84 वैश्रुणन की वार्ता, ये जो रचना है ये प्रमुख कवि गोकुलनाथ जी की है, 2 नंबर सही जवाब होगा, ध्यान रखेंगे। जो आप रामायण पढ़ते हैं रामायण की भाषा क्या है आपको बताना है, तो रामायण की जो भाषा है वो है संस्कृत, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि दक्षिण हिंदी का दूसरा नाम क्या है, तो दक्षिणी, ठीक है, दक्षिणी हिंदी का जो दूसरा नाम है वो है हिंदवी, 2 नंबर सही उत्तर होगा। अगला कि कीर्तिलता किस भाषा की रचना है, तो कीर्तिलता एक रचना है और इस रचना में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, वो भाषा है अवहट्ट, 2 नंबर सही उत्तर होगा। अगला कि खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है, तो हिंदी खड़ी बोली जो बोली जाती है इसकी जो शुरुआत है किस भाषा से हुई आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा, ध्यान रखेंगे, अपभ्रंश से हुआ है, 2 नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि भाषा समूह के रूप में राजस्थानी नामकरण सर्वप्रथम किसने दिया, तो उस प्रमुख विद्वान का और प्रमुख कवि का नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन, 2 नंबर सही उत्तर होगा। अगला कि राजस्थान के सबसे अधिक क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, मतलब कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा या सबसे ज़्यादा एरिया में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, 2 नंबर मारवाड़ी भाषा बोली जाती है, 2 नंबर सही उत्तर होगा। अगला कि राजस्थान की शैली डिंगल का विकास किससे हुआ, तो राजस्थान की शैली डिंगल का जो विकास है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखेंगे, वो जो हुआ है वो हुआ है गुर्जरी अपभ्रंश से, ठीक है, किससे हुआ है, गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ, 6 नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि किसने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, ठीक है, पंडित रामकरण ओस, ठीक है, आसोपा, इन्होंने ही ये भाषा कहा है, ठीक है, यानी कि राज रूपक की भूमिका में डिंगल की राजस्थानी भाषा जिन्होंने कहा है भाषा, उनका नाम है पंडित रामकरण आसोपा। अगला प्रश्न है कि किस राजपूत शासक ने नेह तरंग की रचना की है, तो नेह तरंग की जो रचना है वो जो है की है, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे सही जवाब इसका होगा, बताइए कमेंट सेक्शन में अगर आपको मालूम है, तो है राव बुद्ध सिंह जी की, ठीक है, किसकी है, राव बुद्ध सिंह जी की, सही जवाब हो जाएगा, 7 नंबर ध्यान रखेंगे। अगला है कि ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस शासक के दरबार में था, तो ये जो था वो था विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में, 7 नंबर सही उत्तर होगा। अगला कि आधुनिक राजस्थानी काव्य के नवजागरण का पुरोधा कवि किससे कहा किसे माना जाता है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सूर्यमल मिश्र, ठीक है, मिश्रण, यहाँ पर मतलब सूर्यमल मिश्र नाम होना चाहिए, मिश्रण हो गया है, मिश्र जिसको बोलते हैं, ठीक है, मिश्र जात जो कि जर्नल में आती है ब्राह्मण क्षेत्र, ठीक है। राजस्थान में जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है, ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, ढूंढाडी, ठीक है, ढूंढाडी।
अगला प्रश्न है कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, किस डेट को? ये मनाया जाता है राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि ढोला मारू का दोहा किसका साहित्य ग्रंथ है? तो ढोला मारू का दोहा जो साहित्य ग्रंथ है ये है कवि कल्लोल का। सा नंबर सही जवाब होगा। अगला, राजस्थान की सबसे प्राचीन वचनिका कौन सी है? तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देंगे, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, अचलदास, खिरचीरी, वाचिक वचनिका। अगला कि डिंगल का हैरोस किसे कहा जाता है? तो डिंगल का हैरोस जो कहा जाता है वो कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, सही जवाब होगा इसका पृथ्वीराज राठौड़। ठीक है, दा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का जो गडे ठीक है गजेटियर है वो कहा जाता है मारवाड़ का, ठीक है, मारवाड़ रा परगना रिबिगत। दा नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि राग मंजरी व राग माला संदीत ग्रंथों की रचना किसने की है? तो ध्यान रखेंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, पुंडरिक विट्ठल ने की है। अगला प्रश्न है कि राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीनतम जो ग्रंथ है वो आप माना जाता है भरतेश्वर। हाँ ठीक है, भरतेश्वर बाहु बलिघोर, ध्यान रखेंगे, सही उत्तर आ नंबर होगा। अगला है कि राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो राजस्थानी भाषा का सबसे प्रथम जो उपन्यास है वो है कनक सुंदर। अगला, राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक कौन सा है? तो राजस्थानी भाषा का जो प्रथम नाटक है, ध्यान रखेंगे, सही उत्तर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए, अगर आपको मालूम है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा केसर विलास, दा नंबर सही जवाब होगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी कौन सी है? तो राजस्थानी भाषा की जो सबसे पहले यानी कि प्रथम जो कहानी है वो है विश्रांत प्रवास, सा नंबर सही जवाब होगा। अगला है कि साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो साहित्य अपभ्रंश को पुरानी हिंदी जिन्होंने कहा है उस कवि का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, अगला कि अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है पाली, प्राकृत, अवहट्ट, संस्कृत। तो 40 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अवहट्ट, दा नंबर। अगला है कि सौर सैनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है? तो ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बार, राजस्थानी से। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न का बहुत ही महत्वपूर्ण है और आएगा का, ठीक है, उसको कहेंगे संक्रांति काल। ठीक है, सा नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो जिनको माना उसका नाम है राजा मुंज। तो सही उत्तर सा नंबर होगा। अगला है कि अपभ्रंश को प्राकृता, ठीक है, प्राकृताभास हिंदी किसने कहा है? तो अपभ्रंश को ठीक है, प्राकृता, एक मिनट, प्राकृताभास, ठीक है, हिंदी किसने कहा है? तो उस प्रमुख विद्वान का नाम है, ध्यान रखेंगे, रामचंद्र शुक्ल, सही जवाब इसका हो जाएगा, सा नंबर। अगला है कि पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो पंजाबी का विकास अपभ्रंश के, ध्यान रखेंगे, अपभ्रंश के पैसाची रूप में हुआ है, दा नंबर सही जवाब होगा। अगला कि बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? ठीक है, तो उस अपभ्रंश का नाम है मगधी। ठीक है, आ नंबर सही जवाब होगा। अगला कि अर्ध धा ठीक है, अर्ध धमागधी अपभ्रंश में किसका विकास हुआ है? तो ध्यान रखेंगे, पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है, 12 नंबर सही जवाब होगा। अगला कि सौर सैनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं, सौर सैनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं, कौन सा सही जवाब होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा भाइयों ऑप्शन नंबर
बा, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी पहाड़ी और गुजराती, ठीक है, जवाब बा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सिंधी भाषा का उद्भव हुआ कब हुआ, ये आपको बताना, ठीक है, इन ऑप्शनों में से। तो सिंधी भाषा का जो उद्भव है, ठीक है, वो हुआ है ब्राचट अपभ्रंश से। ब्राचट अपभ्रंश से सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। अगला प्रश्न है कि अवधी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है। तो अवधी का जो उद्भव है वो हुआ है अर्धमगधी से, द नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पात्र किस पत्र को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भारत मित्र, ठीक है। अगला प्रश्न है कि नागरी प्रचारिणी सभा का स्थापना किस वर्ष हुआ। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, स्थापना किस वर्ष हुआ था, वो हुआ था 1893 को। नागरी प्रचार, ठीक है, प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में थे, मतलब कि नागरी प्रचारिणिका थी, इसके सभा के संस्थापक, ठीक है, संस्थापकों में कौन थे, संस्थापकों में जो थे उनका नाम बताना है। तो वो जो थे, ध्यान रखेंगे, उसमें शिव कुमार सिंह जी थे, बाबू श्याम सुंदर दास जी थे, सही उत्तर आ जाएगा। अगला कि काशी नागरी प्रचारिणी की सभा के संस्थापक, ठीक है, संस्थापकों में कौन नहीं है इन अवसरों में से। तो वो इन संस्थापकों में जो नहीं है उनका नाम है, ध्यान रखेंगे, रामचंद्र शुक्ल, द नंबर सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चन एंड आंसर बताए हैं। आई होप कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर समझ में आएंगे, आए होंगे आपको। तो इस वीडियो से 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। इसी तरह धीरे धीरे आपके एग्जाम की तैयारी होती रहेगी। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। और ये आपका अपना चैनल सक्सेस टू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।